हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तरन किचन पे। फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बना के दिखाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल स्वीट पोटैटो चाट, यानी कि शकरकंदी की चाट। हमने शकरकंदी जो लेनी है वो हमें मोटी साइज़ की चाहिए, बिल्कुल भी बारीक नहीं चाहिए। अगर बारीक लेंगे तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, जितनी मोटी होंगी उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसको हम बिना बॉयल किए हुए कुकर में बनाएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें कि कैसे मैं बना रही हूँ चाट। बहुत ही आसान है और बिल्कुल ठेला टाइप बनेगी ये चाट, वैसी ही खुशबू वैसा ही टेस्ट आएगा, तो ध्यान से देखें वीडियो को। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्वीट पोटैटो जो कि शकरकंदी है, इसको अच्छे से पानी से वॉश करना है और इसकी अच्छे से मिट्टी निकाल देनी है। और मैंने इसको साफ़ कर लिया है, फिर इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया ताकि इसका पानी सारा सूख जाए। अच्छी तरह से पानी साफ करने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ऑयल लगा लेना है, चाहे तो आप हाथ से लगा लें जैसे आपको इजी लग रहा है, या फिर ब्रश से, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे लगाएं। अच्छी तरह चारों तरफ हमने तेल लगाना है इसमें। रिफाइंड ऑयल लगा लें या फिर घी लगा लें अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, ये देखिए कुकर हमारा हीट अप हो चुका है, मैंने गैस पे पहले से चढ़ा रखा था। अब हम इसमें शकरकंदी को ऐसे अरेंज करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है इसमें, ऐसे ही हम इसमें रखेंगे। और अब हम इसको सिल्वर फॉइल से एकदम से प्रॉपरली ढक देंगे, चाहे तो आप न्यूज़पेपर ले लें अगर सिल्वर फॉइल नहीं है तो। और बहुत ही केयरफुली आपने इसको करना है क्योंकि कुकर हमारा बहुत ही गर्म है, तो धीरे धीरे आराम से ध्यान से करें। पूरा अच्छे से ढक देना है इसको। सिल्वर फॉइल से अच्छे से ढकने के बाद हम इसके ऊपर दो मुट्ठी पानी डाल देंगे। इसको दम लगाना भी बोलते हैं। अगर हम प्रॉपरली पानी में उबालेंगे तो वो पानी पानी सी हो जाती है, बिल्कुल भी मिठास नहीं रहती, अजीब सा टेस्ट आता है। तो हम इस तरह से अगर बनाएंगे तो प्रॉपरली आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आपने आग में सेक के बनाई हो। तो अब हम ढक्कन लगा देंगे और बिसल जब तक ना आ जाए तब तक हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जैसे ही बिसल आने लगे तो हम इसको बिल्कुल धीमे कर देंगे, 1 सेकंड के अंदर अंदर ही बिसल आ जाती है, तो बिसल हमने नहीं लगानी। बिल्कुल धीमी आंच पे 10 मिनट तक के लिए हमने पकाना है इसको, और उसके बाद हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। जब तक हमारी स्वीट पोटैटो सिक रहे तब तक हम ये ग्रीन चिली की सॉस बना लेते हैं, यानी कि हरी मिर्ची की चटनी। उसके लिए थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है जिसको मैंने काट लिया है छोटा छोटा, और 3-4 हरी मिर्चें हैं। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उसी हिसाब से मिर्ची डालें, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और ब्लैक पेपर और साथ में नींबू का रस। इन सब चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका। और मैंने आपको गुड़ इमली की चटनी बनाना बताया है कैसे बनाते हैं। अगर आपने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लें कि कैसे बनाई जाती है। ये देखिए हमारी ग्रीन चिली सॉस बन के रेडी है, और साथ में हमारी गुड़ इमली की चटनी है। जब कुकर ठंडा हो जाए तब आप ढक्कन निकाल के चेक करें। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया और कितने अच्छे से बन चुकी है हमारी शकरकंदी। अब हम इनको कुकर से निकाल लेंगे एक साइड से पकड़ के, और तवे पे रिंस कर देंगे इसी तरह से। फोक से आप चेक कर लें अगर आपको डाउट है कि पके हैं या नहीं, और इनको अलट पलट के 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, ऐसा लगे जैसे कि हमने आग में सेक के बनाए हैं। अब मैं आपको कुकर भी चेक कराती हूँ जिसमें हमने इसको सेका था, बिल्कुल भी लगा नहीं है, हल्का सा जला है जो कि आराम से हम जब धोएंगे तो साफ हो जाएगा। ये देखिए अब हम छील लेंगे, उससे पहले हमने इनकी साइडें जो है वो कट कर लेनी है। अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसको बीच में से कट करके ऐसे छील लें। ये देखिए इसका छिलका कितने आराम से उतर रहा है, और बीच में से आप देख रहे हैं कितना बढ़िया रोस्ट हुआ है ये, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठेलों पर होती है। गर्मा गर्म आप छील के इसको चाट बना के तैयार करें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। ये देखिए अब हम इसको एक प्लेट में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे।
जितने छोटे जितने बड़े आपको पीसेस चाहिए वैसे आप कट कर लें। और फ्रेंड्स, आपने जो इस चाट में नमक डालना है वो सेंधा नमक डालना है, क्योंकि नवरात्रि में सेंधा नमक यूज़ किया जाता है। हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और काली मिर्च, और साथ में नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि शकरकंदी मीठी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर आप ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते तो आप सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और नींबू का रस डाल के ही चाट बना लें तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है इससे। और अगर आप ठेले जैसा स्टाइल चाहते हैं तो इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस और मीठी सॉस ज़रूर डालें, तो बिल्कुल ठेला टाइप बन जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी चाट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स और अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।